कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं अपने मधुपुर विधानसभा तो उस रास्ते से जाते हैं जहां जगन्नाथ दा का आवास है। कोई भी सवाल जब हम उठाते थे तो पहला मेरा साथ देने वाला जगन्नाथ बाबा, और हम देखे, हम भी मंत्री कैबिनेट में बैठते थे, बीमारी के हालत में तेवर उनका कभी कमजोर नहीं हुआ, तेवर वही टैगोर वाला रहा, बीमारू रहे। जिस दिन लास्ट दिन उनका जो विधानसभा में है बोल रहे हैं बैठने के लिए, बैठ जाइए जगन्नाथ बाबू बैठ जाए, लेकिन वो खड़े रहे और खड़े रह के जवाब सब दिए, कभी भी दूसरा का सहारा नहीं लिए। उसी का खून राजू है, ये भी अपना माँ के साथ रहेगा और रह काम करेगा, और हम लोग सब साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा जब परिवार में कोई संकट आता है तो उसके साथ रहता है और बहुत मजबूती से खड़ा रहता है। उसका पहला मिसाल मैं हूँ और दूसरा मिसाल राजू। एक अंतिम सवाल, UCC अभी ये जो चल रहा है पूरे देश में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो करने जा रहा है वो भुगतेगा, जो करने जा रहा है ना वो भुगतेगा। बाबा साहब का अपमान करने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब का अपमान करने जा रहे हैं, ये आप जान लीजिए।